इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक्स लोकला मंडल मधुबन उदयपुर। राजसमंद का धोइंदा स्थित नॉर्थ नर्सिंग कॉलेज बच्चों के साथ अपनी मनमानी कर रहा है। ऐसे में बच्चों ने आज कलेक्टर के सामने अपनी बात रखी और ज्ञापन दिया। बच्चों ने बताया कि कॉलेज प्रशासन द्वारा कोरोना काल में बस सेवा नहीं लेने पर भी हम किस बात का किराया दें। कॉलेज प्रशासन द्वारा मनमानी कर हमसे किराया लिया जा रहा है, जो बस फीस के कॉलेज फीस के साथ ही जमा कर ली गई है और एक्स्ट्रा फीस दी जा रही है, और कॉलेज प्रशासन द्वारा विद्यार्थियों को डरा धमकाया भी जा रहा है। ऐसे में बच्चों ने अपना विरोध प्रकट किया और कॉलेज के खिलाफ नारेबाजी की। कॉलेज प्रशासन के डायरेक्टर पंकज शर्मा द्वारा एक बालिका द्वारा टेलीफोन पर बात करने पर उसे फोकट की राजनीति न करने की सलाह दी और आगे भी उन्हें काम कॉलेज से ही पढ़ना की सलाह दी। ऐसे में सिद्ध होता है कि चोरी और ऊपर से सीना जोरी कर रहा है श्रीनाथ कॉलेज। हम सभी स्टूडेंट्स श्रीनाथ एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग धोइंदा से हैं और कई सारे स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग कॉलेज से भी है। हमारी कोरोना काल में ड्यूटियाँ बिल्कुल भी नहीं लगाई गई और हमारे से 15,000 पर स्टूडेंट से लिए जा रहे हैं। और मतलब सर, हमें सबको पता है सर कि कोरोना काल में हम सबके माता पिता कितनी मेहनत करके पैसे ला रहे हैं और कॉलेज वाले हमारे से पैसे लिए जा रहे हैं, रुकने का नाम भी नहीं ले रहे। हमने कॉलेज प्रशासन से बात की है कि हम आप मतलब हमारी फ़ीस माफ़ करो, फिर भी उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया कि मतलब हम संतुष्ट हो सके कि हम हमारा काम करें। सिर्फ उन्होंने ये बोला है कि तुम तुम्हारा काम करो बस। हम श्रीनाथ धोइंदा नर्सिंग कॉलेज से हैं और हमें मतलब हमने फ़ीस माफ़ करने के लिए सर को बोला भी था, बिकॉज सर से बात भी की थी तो सर बोलते हैं नेतागिरी नहीं करना। इसके अलावा उन्होंने बोला है तुम्हें व्यवहार रखना है या नहीं रखना है कॉलेज में, और यूँ बोलते हैं नंबर काट लेंगे तुम्हारे, नंबर बिल्कुल 1% नंबर नहीं भेजेंगे, प्लस तुम्हें कॉलेज में कोई भी फैसिलिटी नहीं दी जाएगी। सर, हम राजसमंद नर्सिंग कॉलेजों से हैं और हमारे साथ हमारे कॉलेज वाले ज़बरदस्ती बस की फीस ले रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल में हमारी न तो कहीं ड्यूटी चली, हॉस्पिटल न गए, न हमारे कॉलेज चले। इसके बाद भी अवैध वसूली से हमारी ये बस की फीस ले रहे हैं। हमारी जो मेन कॉलेज की फ़ीस है उसमें सारे इंक्लूड हो जाते हैं, उसके बाद ऊपर से ये एग्जामिनेशन फीस वैसे अलग अलग करके और ये बस की अलग फीस लेके हमें अलग तरह से लूट रहे हैं। ये यहाँ पे हमने पहले भी कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन दे दिया था जिस पर ज़्यादा कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद हम आज सेकंड बार ये वापस लेके आए हैं और आज फिर हमने कलेक्टर साहब को ये दे दिए, और इसके बाद हम मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भी ये आवेदन करें, ये कार्यवाही के लिए हम आगे अपना भेजेंगे। आपने कॉलेज प्रशासन से कोई बात की? कॉलेज प्रशासन से बात की, लेकिन वो भी हम कोई संतुष्ट पर जवाब नहीं देते। ये सीधे हमें और धमकाते हैं कि अब हम तुम्हारे एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरे जाएंगे, एग्जामिनेशन फीस दे दो, जमा करा दो, नंबर काट देंगे। इस तरह से हमें दबाव बनाया जाता है और ज़बरदस्ती फीस ले लेते हैं। सर, मैं ना श्रीनाथ कॉलेज से थर्ड ईयर स्टूडेंट बात कर रही हूँ, धोइंदा से। सर, हमारे ना सेकंड ईयर में कोरोना की वजह से ड्यूटी लगी नहीं और बस फीस ली गई हमसे 1500 बस फीस की माफ रेखा डांगी जी बाद में करेंगे, ठीक है ना? नेतागिरी मत करो, अपनी पढ़ाई करो। आप एक बार आरके हॉस्पिटल जाना शुरू करें, मैं प्रिंसिपल साहब के डायरेक्शन को फॉलो करें, बाकी की बात हम बाद में करेंगे। बात समझ में आएगी नहीं रेखा? बात समझ में आ गई सर, लेकिन अगर हम ऐसे जाते रहेंगे तो फिर सर पैसे तो हमें वैसे भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम पहले नॉर्मल होते हैं। बात तो हम बेटा करेंगे, आप लोगों का अन्याय नहीं होगा, है ना? आप लोग प्रिंसिपल की बात को नहीं मान रहे, एडमिनिस्ट्रेटर की बात को नहीं मान रहे, क्लास टीचर की बात को नहीं मानने, कैसे काम चलेगा? सर, हम सबकी बात मानने को तैयार है, लेकिन हम वापस जवाब नहीं फोन दे बेटा। मैंने बेटा तुम्हारे बच्चे के बराबर है, ठीक है? तो बेटा मैं पंकज शर्मा बोल रहा हूँ, तुम्हारे बच्ची से भी छोटी है, समझ रहा है बेटा? आप आराम से वहाँ आर के हॉस्पिटल सब बच्चे बच्चों को भेजना शुरू करो, जो कुछ करना होगा हम बच्चों के हित में डिसीजन लेंगे, ठीक है? ठीक है सर, बात सुन रहा बेटा। देखो, थर्ड ईयर के बाद पंकज शर्मा अंकल से रिलेशन रखने नहीं रखना, या डिग्री करने के बाद तू हमारे काम नहीं आएगी, हम तेरे काम नहीं आएंगे, बता? सर, ऐसी बात नहीं है बेटा, करेंगे ना, जो भी बात होती करेंगे, बताओ। अगर आज पेरेंट्स बच्चों कह रहे हैं बेटा पहले यूनिफॉर्म जरूरी है कि पहले बुक्स जरूरी है, पहले बुक्स जरूरी है ना? यूनिफॉर्म तो अपन 10 दिन बाद भी दिला सकते हैं बच्चे को, ठीक है बेटा? पहले वहाँ पर आर के हॉस्पिटल रेगुलर सिस्टम में जाना करो, जो कुछ होगा पहले वहाँ पर आप क्लास टीचर से बात करो, फिर आपके पास एडमिनिस्ट्रेटर है भंडारी सर, उनसे बात करो, फिर आप प्रिंसिपल साहब को फॉलो करो, फिर मेरे से बात करो, क्योंकि आप समाज की बच्ची हो, इसलिए मैंने आपका फोन उठा लिया बेटा, ठीक है? थैंक यू सर। और कोई दिक्कत आ रही हो तो बताओ बेटा, पढ़ाई में लिखाई में, है ना? कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो कोई दिक्कत नहीं है सर, बस हमें फीस चाहिए हमारी। फिर आप उसी बात पे आगे, जब मैं कह रहा हूँ बेटा आपने अभी पूछा है ना, आपने पूछा है इसलिए बता रही हूँ मैं आपको। आप एकेडमिक उसकी चिंता मत करो, जो कुछ निर्णय होगा बच्चों को इसमें करेंगे, ठीक है? ठीक है, हॉस्पिटल जाना शुरू करें। ओके सर।